पवन देव मुनि किन्नर नाना, तेहि क्षण हृदय हारे कछु माना। तुरत ही सोसी तेहि ले गयो, राम हृदय कुछ विस्मय भयो। समझा हृदय कखेई करनी, कहां नुज सन बहु देवरनी। बहुरी लक्षण रखवरी ही प्रबोधा, प्राचवान बड़े छाड़ कर क्रोधा। महक लक्षण सुधान धनुषर, मारी तही व्याकुल कियो। पुनि उठाने शर राख सीते, शूल ले छारत भयो। जनु काल दंड कराल धावा, विकल सब खग मृग भय। धनु तानि श्री रघुवंश मनि, पुनि मारि तन जर जर किए। बहुरी एक शर मारियो, पराधरन धुनि साथ। उठे प्रबल पुनि गरजयो, चलियो जहाँ रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। इंद्र का पुत्र जयंत अत्यंत दीन दुखी और व्याकुल होकर जिन जो भागता है, त्यों त्यों श्री रामचंद्र जी का बाण भी उसके पीछे पीछे दौड़ता जाता है। चाहे सांप डसे हुए से बच जाए, परंतु राम जी के छोड़े हुए बाण से बचना असंभव है। जब नारद जी ने जयंत को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्हें दया लगी, क्योंकि संत जन कोमल चित्त के होते हैं। उन्होंने दूर से ही प्रभु की प्रभुता को कहकर भागते हुए जयंत को बहुत तरह से समझाया और तुरंत राम जी के पास भेजा कि कहा पुकार कर कहना कि हे दीनों के हितकारक, मेरी रक्षा करो। दुखी और भयभीत जयंत ने जाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु राम जी, त्राही माम, आपके अपार बल और महिमा को मैं नीच बुद्धि वाला नहीं जान सका। अपने किए हुए कर्म का फल पा गया और मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी दीन वाणी सुनकर हे भवानी, श्री राम जी ने एक आंख फोड़ करके उसको छोड़ दिया। उसने मोह के वश होकर द्रोह किया था, यद्यपि उसका वध करना ही उचित था, तो भी प्रभु ने दया करके उसको छोड़ दिया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन है। राम जी ने चित्रकूट में बसकर अनेक प्रकार से चरित्र किए जो सुनने में कानों को अमृत के समान है। फिर राम जी ने अपने मन में अनुमान किया कि सबने मुझको जान लिया है, इससे बहुत भीड़ होगी, इसलिए सब मुनियों से विदा होकर सीता जी सहित दोनों भाई वहां से चल दिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। तब उनका मन सुनकर अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अत्रि मुनि का शरीर पुलकित हो गया, वह उठकर दौड़े। मुनि को इस प्रकार आते देख श्री रामचंद्र जी घबराकर आगे बढ़ गए। श्री रामचंद्र जी को दंडवत करते हुए देख मुनि ने उनको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वह उन्हें आदर सहित आश्रम में ले गए, उनकी पूजा करके सुहावने वचन कहकर मूल फल दिए जो प्रभु के मन को अच्छे लगे। आसन पर विराजमान श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्र भर देख परम प्रवीण मुनिवर श्री अत्रि जी हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल शीत वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके उन चरण कमलों को भजन करता हूँ जिनको निष्काम मनुष्यों को अपना धाम देने वाला है। आप कामनाओं से रहित सुंदर सांवले शरीर वाले हैं। हे नाथ, आप संसार रूपी समुद्र को मंथने पर मंदराचल पर्वत के समान अहंकार आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का प्रक्रम और वैभव वसीम है। हे तीन लोकों के स्वामी, आप तरकस और धनुषवान धारण किए हैं। आप सूर्यवंश के श्रोमणि शिव के धनुष को तोड़ने व संतों और मुनीश्वरों को आनंद देते तथा दैत्यों के समूह को नाश करने वाले हैं। कामदेव के वैरी महादेव जी आपकी वंदना और ब्रह्मा आदि देवगण आपकी सेवा करते हैं। आप विशुद्ध बोध के स्वरूप और सर्व दोषों को हरने वाले हैं। लक्ष्मीपति, सुख के निदान और सज्जनों की गति स्वरूप मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका भजन करता हूँ। आप
महापिंड के लघु रहता है। जो मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष रहित होकर आपके चरण कमलों को बचते हैं, वे इस कुतर्क रूपी लहरों से परिपूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। एकांतवासी साधु जन मुक्ति के लिए सनंद नित्य आपको भजते हैं। इंद्रवादियों को सुख रहित करके सदगति को प्राप्त करते हैं। आप ही एक अद्भुत आश्चर्य रूप प्रभु इच्छाओं से रहित ईश्वर सर्वव्यापी जगत के गुरु सनातन पुरुष तीनों अवस्थाओं से परे केवल तुरय रूप है। हे भक्ति भाव के प्यारे स्वामी, मैं आपका भजन करता हूँ। आप कुप्रयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ और अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान प्रतिदिन सेवा करने योग्य हैं। मैं निरंतर भजन करता हूँ। मैं मनुष्यों और पृथ्वी और पृथ्वी की कन्या सीता जी के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर से के साथ पढ़ते हैं, वह आपकी भक्ति से निस्संदेह आपके परम पद को पाते हैं, इससे संदेह नहीं है। मुनीश्वर पिंती करके सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमलों का हमारा भोली बुद्धि कभी त्याग ना करे। हे प्रभु, जन्म जन्म के आपके सुखदायक चरण का प्रेम ऐसे बढ़े जैसे चकोर का चंद्रमा से बढ़ता है। श्री रामचंद्र जी ने मुनि के विनय प्रणाम देखकर अनेक प्रकार से विश्राम पाया। पुल अत्रि मुनि की धर्म पत्नी अनुसुईया जी के चरण स्पर्श की जानकी अधिक सुशीलता और विनय पूर्वक मिली, जो सीता जी सबको लिए सुखदात्री संपूर्ण लोक ब्रह्मंड की माता है। जानकी जी को श्रेष्ठ मुनि पत्नी पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे रात्रि में चंद्रमा को देखकर कुमदनी खिलती है। अनुसुईया जी के मन में बड़ा सुख हुआ और शीश देकर जानकी जी को अपने पास बैठाया। दिव्य अर्थात जो कभी खराब ना हो, सर्वदा प्रकाशमान रहे, ऐसे वस्त्र व गहने पहनाए जो नित्य वह शुभायमान रहे, जिनको देखते ही दुख दूर हो जाते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सांप भागते हैं। इस प्रकार के सुंदर अद्भुत वस्त्र अनुसुईया जी ने जानकी जी को लाकर दिए और मीठे वचन कहकर अत्यधिक सम्मान किया, जिसकी प्रीति बखानी नहीं जाती। फिर अनुसुईया जी सरल और मीठी वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म कथा संकेश में कहने लगी, हे राजकुमारी सुनो, माता पिता और भाई हितकारी हो तो होते हैं, परंतु ये सब थोड़े ही काल तक। हे विदेही, अपार दान देने वाला तो पति है, वह स्त्री महानीच है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और स्त्री इन चारों विपत्ति के समय में ही परीक्षा होती है। बूढ़ा रोगी अंधा बहरा क्रोधी और धन से हीन व अत्यंत दुखी ऐसे पति का भी अपमान करने वाली स्त्री यमलोक में अत्यंत कष्ट पाती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम है कि कर्म वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। वेद पुराण और संत कहते हैं कि संसार में चार तरह की पवित्र स्त्रियां होती हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु। सब समझाकर कहती हूँ, जो आगे इसे सुनेंगे वह संसार सागर से पार हो जाएंगे। अतएव हे जानकी जी, आप भी मन लगाकर सुनिए। उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात रहती है कि पति के सिवा संसार में दूसरे पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की स्त्रियां पराए पति को ऐसे देखती हैं जैसे अपने भाई पिता पुत्र को देखती हैं। वेद ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री अपने धर्म को विचार कर और कुल की प्रतिष्ठा को समझ कर कुमार्ग में पैर रखने से रह जाती है, वह नीच है। जो अवसर ना मिलने या भय के कारण कुमार्ग में जाने से रह जाती है, संसार में उन स्त्रियों को अधम जानना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पति से प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ती है। जो क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं जानती, उसके समान खोटी कौन है। वह स्त्री बिना परिश्रम ही परम गति प्राप्त करती है, जो जल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है। परंतु जो पति के प्रतिकूल रहती है और जहाँ जन्म लेती है वहाँ युवावस्था में ही विधवा होती है। स्त्रियां स्वभाव से ही अपवित्र है, परंतु पति की सेवा करने से शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं और चारों वेद उसका यश गाते हैं। इसी से आज भी तुलसीदास जी भगवान विष्णु को प्यारी हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारे नाम का स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म के कारण को धारण करेंगी। तुम्हें श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय है। मैंने तो ये कथा संसार के हित के लिए कही है। यह सुनकर श्री सीता जी के मन में अत्यंत सुख पाया और आदर के साथ उनके चरणों में शिर नवाया। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि अब आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं, मेरे ऊपर सदैव कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जानकर प्रेम ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम से बोले, जिनकी कृपा ब्रह्मा जी महादेव जी सनकादि लोग चाहते हैं, वे राम आप ही हैं, जो कामना रहित पुरुषों के प्यारे और दीनों के बंधु हैं। इन कोमल चरणों का उच्चारण आपने किया है। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई को समझ लिया है कि वे सब देवताओं को त्याग कर आपका ही भजन करती रहती हैं।
जिनके समान और कोई नहीं है, उनका शील क्यों ऐसा ना हो। हे स्वामी, अब मैं किस प्रकार कहूँ के जाओ, हे नाथ आप ही कहिए, आप अंतर्यामी है। कि ऐसा कहकर धैर्यवान अत्रि जी ने प्रभु की ओर देखा तो आंखों में जल भर गया और शरीर पुलकित हो गया। मुनि श्रेष्ठ अत्रि ऋषि की देह रोमांचित होकर परम प्रीति से भर गई और आंखें भगवान के कमल सरीखे मुख की ओर लग गई। मुनि अपने हृदय में चिंता करने लगे कि ऐसा मुझसे कौन सा जप तप बन गया जिससे इंद्रियों को गोचर प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस जप योग से मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पाते हैं, मैं दास बनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का यथाशक्ति निरंतर गान करता हूँ। जो मनुष्य कलयुग के पापों को नाश करने वाले और मन में सारे विकारों को दमन करने वाले सुख के मूल श्री रघुनाथ जी के सुरेश को आदर पूर्वक सुनेंगे, उन पर श्री रामचंद्र जी अनुकूल रहेंगे। ये कठोर कलिकाल सारे पापों का खजाना है, इसमें धर्म ज्ञान योग व यप नहीं है। अतएव सब आशाओं को छोड़ जो रामचंद्र जी का भजन करते हैं वही श्रेष्ठ गिने जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्रि मुनि की स्त्री स्तुति की और उन्हें सुंदर वरदान दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है। कृपा निधान आपकी जय हो। हे देवताओं, फिर देवताओं और मुनियों के ईश्वर श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के चरणों में शिर निभाकर दूसरे वन के लिए चल दिए। आगे आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण उत्तम मुनियों का सा वेश धारण किए थे। उनके बीच में सीता जी ऐसी शोभा दे रही थी जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया सुशोभित होती है। नदी, वन, पहाड़ और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी को पहचानकर सुंदर मार्ग दे देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां मेघ आकाश में छाया कर देते हैं। बहुत से आश्रम मार्ग में दिखलाई दिए जिनके समान देवताओं को भी स्थान नहीं है। बहुत से तालाब, सुंदर आम के बगीचे बांधी बांधी सब मुनियों ने लगाई थी। चारों ओर दिव्य वृक्षों से वन सुशोभित हो रहे थे जिनको देखकर सब देवताओं के मन मोहित हो जाते थे। उस दिन प्रभु ने उसी स्थान पर वास किया, सब मुनियों से मिलकर उनकी अगवानी की। उन मुनियों ने प्रसन्न मन से अपने आश्रम में प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाकर पूजा करी और वह पहुनाई की और कंदमूल अमृत के समान फल श्री रघुनाथ जी को लाकर दिए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सीता सहित भोजन किया। वह जिसको मन में इच्छा लगा वही सुंदर वर दिया। प्रातः काल होते ही प्रभु ने मुनियों को शिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, पुण्य देवता सिद्ध गणेश जी को स्मरण कर राम जी आगे चले। हे गरुड़ जी सुनिए, काक पिशुंडी जी कहते हैं, नेक वे मन भांति भांति के सुंदर पर्वत लांघते हुए प्रभु चले जाते हैं। मार्ग में जाते हुए विराट राक्षस मिला जो कि क्रोध से घोर कठोर गर्जना कर रहा है। उसका बड़ा भयंकर रूप मानो काल के समान है। वह ऐसे वेग से दौड़ा जैसे सर्प झपट रहा हो। आकाश में देवता मुनि किन्नरों ने उस समय हृदय में कुछ हार माना। वह तुरंत ही जानकी जी को उठा ले गया। तब रघुनाथ जी के मन में कुछ आश्चर्य हुआ। हृदय में ककई की कन्नी समझकर लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से कहा कि अब ककई का मनोरथ पूरा हुआ। फिर लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाकर और क्रोध कर पांच बाण छोड़े। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए, उन्होंने धनुष उतारकर बाण मारकर राक्षस को व्याकुल कर दिया। फिर वह उठकर जानकी जी को रक्त त्रिशूल लेकर दौड़ा। उस समय ऐसा विदित हुआ कि मानो कराल काल दंड दौड़ा चला आ रहा है। सब खग मृग व्याकुल हो गए। तब रघुनाथ जी ने धनुष तानवानों से उसे त्रिशूल को काटकर राक्षस का शरीर जर्जर कर दिया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बाण मारा जिससे लगने से पृथ्वी में माथा धन कर विराट गिर पड़ा। फिर वह फिर उठा और प्रबल होकर गर्जा एवं श्री रघुनाथ जी थे वहां चल पड़ा।